अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। 10 अक्टूबर में आप सबका स्वागत। आज पिछला सवाल जी, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने निकाली थी? आंसर एयर इज UNFPA। UNFPA इसका आंसर है। एक्सक्यूज मी। देन आज का सवाल सर, साउथ साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज, साउथ साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज ये कौन निकाल रहा है जी? वर्ल्ड बैंक, WEF, IMF या नीति आयोग? साउथ साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन सर, फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज, इकोनॉमिक्स वालों को क्या चाहिए? गोल्ड। याद करने के लिए गोल्डिन जी को, क्लॉडिया गोल्डिन जी को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। फॉर व्हाट? शी एडवांस्ड हर अंडरस्टैंडिंग ऑन वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स, कि वुमेन की परफॉर्मेंस की क्या जरूरत है, जेंडर गैप को कैसे क्लोज करना है। गोल्डन याद रखना, वुमेन लेबर मार्केट आउटकम याद रखना, इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज जरूर आता है जी पेपर में, एक तो पक्की बात है। देन कंट्रीज ओल्डेस्ट थिंक टैंक USI ने फर्स्ट इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कराया जी। फर्स्ट इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कौन करा रहा है? USI, रिमेंबर, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन। देन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है जी। किसी की भी मेंटल हेल्थ को अगर आप ठीक नहीं कर सकते तो खराब मत करें, किसी के अब्यूजर मत बने, है ना, किसी को इमोशनल कंफ्यूजन मत दें, केओस मत दें। चाणक्य कहते थे कि जुबान है छोटी सी, इतनी सी चीज है जो दुनिया हिला देती है, तो इसको हमेशा मीठा बोल, बड़ा अनमोल। देन लैंडमार्क अचीवमेंट जी, इंडिया फर्स्ट सोलर साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे बना है? हैदराबाद में। बहुत ही पिक्चरेस्क सी व्यू है, इसकी पिक्चर जरूर देखना, साइड में गार्डन से बनाए हुए, ऊपर छत बनाई है, नीचे साइकिलिंग ट्रैक है, वेरी ब्यूटीफुल साइकिलिंग ट्रैक, राइट। सो फर्स्ट सोलर साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद। देन IRDAI ने बीमा वाहक एक तरह से बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट टाइप का आइडिया है, और ये इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे और एवरी ग्राम पंचायत में रखेंगे बिफोर द एंड ऑफ 2024। देन फोर्जरी, ये हीरो मोटर कॉर्प के खिलाफ ये केस हुआ है। तो फोर्जरी क्या होता है जी? बेसिक आइडिया फोर्जरी का, कि मैं, लेट्स से माय नेम इज अनमोल, बट आई साइन अ चेक ऑन द नेम ऑफ, लेट्स से माय फादर, की झूठे से कुछ निकलवा लूंगा, झूठे साइन से निकलवा लूंगा, दैट इज फोर्जरी, राइट। कॉपिंग और इमिटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये IPC के हिसाब से भी क्राइम है, राइट। मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट किसी फिक्टिशियस के नाम पे, या फिर जो है नहीं उसका बिलीव कराने के नाम पे, सो झूठी कॉपी बनाना इज फोर्जरी। मेरे ख्याल तो ये जो नकली रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं वो भी फोर्जरी होना चाहिए। एनी हाउ, दैट इज 420 एक्चुअली। एनी हाउ, सो द कीवर्ड ऑफ द डे फॉर द टुडे इज लो इक्विलिब्रियम ट्रैप। ये भी विशियस सर्कल और क्रॉनिक पॉवर्टी के आसपास की बात है। तो लो इक्विलिब्रियम ट्रैप क्या है जी? लेट्स से कंट्री, उसमें एक फैमिली है, चार लोग फैमिली में है, वो पुअर है बेचारे, तो पुअर करके, बिकॉज दे आर पुअर तो इनकम कम है, इनकम कम है तो उनके हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट हेल्थ पे कम है तो रिसोर्स कम है, और इन्वेस्टमेंट मार्केट में भी कम है, और सब कुछ ही कम है तो डिमांड भी कम है। सो अगेन डिमांड कम है तो अमीर कोई नहीं हो रहा। सो अगेन व्हाट इज हैपनिंग, ये लो इक्विलिब्रियम ट्रैप पे ही फंसे हुए हैं, कि लेट्स से इनका GDP 100 रुपए था, ये 100 से 110 पे भी नहीं जा पा रहे, 100 पे अड़े हुए बेचारे, बिकॉज ऑफ लोअर पर कैपिटा इनकम। तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ही इतनी कम है कि वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे कहीं और इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पा रही, वो उसी चीज में फंसे हुए, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने यूज करा था सर, एक कीवर्ड वहां से हम लोग लेके आए हैं। वैसे रिचर्ड नेल्सन की थ्योरी भी है इकोनॉमिक्स में अराउंड लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, राइट। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू इट? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट माइट बी द वे फॉरवर्ड टू इट, राइट। स्किल डेवलपमेंट माइट बी द वे फॉरवर्ड टू इट, राइट। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का रिमूवल बहुत जरूरी है इसके लिए। सो दिस इज वेरी 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 गुड कीवर्ड, आप सोसाइटी के आंसर्स में, एसेज में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, एंड इकोनॉमी के आंसर्स में तो डेफिनेटली, एंड चैलेंजेस इंडिया के लिए डेफिनेटली, राइट। सो प्लीज ऐड दिस टू योर डायरी। आई होप सारे लोग डायरी जरूर बना रहे हो, बहुत काम आनी है मेंस में, दुआएं दोगे मुझे, राइट। सो दैट इज इट फॉर द डे, अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप फॉलोइंग सुपर 20 IAS। थैंक यू।